आपका फिर स्वागत है। आइए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आम के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो ये पेड़ है, ये एक आम की वैरायटी है जिसे राम केला बोला जाता है। ये आम स्पेशली अचार के लिए तैयार किया जाता है, तो इसका अचार जो होता है वो फर्मेंट जल्दी से नहीं होता, उसमें जल्दी से वो ख़राब नहीं होता, उसकी ड्यूरेशन अच्छी होती है। बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हम इस अचार को तैयार करते हैं। साथ ही साथ हम आ रहे हैं यहाँ पे फ्रूट मैंगो में चौसा आम है, दशहरी आम है, लंगड़ा है, गुलाब जामुन है। ये अलग वैरायटीज़ हैं जो हमारी आम की फ्रूट मैंगो में जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में ये वैरायटियाँ बड़ी फेमस हैं और पूरे देश में हमारी जो आम की वैरायटियाँ हैं यहाँ से जाती हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी होती हैं। दिल्ली NCR की जो मेन मंडियाँ हैं, गाज़ीपुर, आज़ादपुर, यहाँ से ज़्यादातर आम यहाँ पर पहुँचाया जाता है, फल के रूप में भी और अचार के लिए भी। हमारे इस क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े क्वांटिटी में आम जाया जाता है। खाने में यदि अचार हो तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बागवान की रसोई में आज आपको बताते हैं कि पारंपरिक रूप से आम का अचार कैसे बनाया जाता है। आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें ताजा कच्चे आम चाहिए। फिर उन्हें साफ पानी में धोकर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और गुठलियां अलग कर दी। आम का अचार बनाने के लिए खास तौर से खड़े मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सौंफ, नमक, मेथी दाना, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, राई, कलौंजी और सरसों का तेल। जितने भी खड़े मसाले हैं उन्हें सबसे पहले पीस लीजिए। इन सभी मसालों को एक एक करके बड़े बर्तन में डालिए जिसमें पहले से ही हमारे पास कटे हुए आम रखे हैं। सबसे पहले हमने सौंफ डाली, फिर नमक, मेथी दाना, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, राई, कलौंजी और उसके बाद डाला सरसों का तेल। आम के अचार में सरसों का तेल थोड़ा ज्यादा डाला जाता है, इससे अचार खराब नहीं होगा और लंबे समय तक बना रहेगा। और अब आम और मसालों को अच्छे से मिक्स किया और डिब्बों में भर कर रख दिया। लीजिए, हमारा आम का अचार अब तैयार है और ये अचार अब 15 दिनों में खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा।